अभी आपने पलट दिया। हाँ, अभी आ जाएगा ये उसके ऊपर जो अपना जो, क्या बात है क्या बात है, ये गाड़ी का जो अपने मिठाई की गाड़ी में जो ऊपर मावा घी आता है ना, वो हमारा ये घी है। तो जैसे वो गाड़ी के अंदर जो अपना क्या बोलते हैं काजू पिस्ता सब आते हैं ना, हाँ, वैसे हमारी हमारी गाड़ी पे ये हम पिस्ता, ये आपका पिस्ता हो गया, पिस्ता लहसुन। सो इट्स ओवरऑल अ कंप्लीट पैकेज, बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हेलो, मेरा नाम धर्मेश भाई है, मेरी लारी का नाम है चक्की आमलेट। ये अपना उडना नहर रोकड़िया हनुमान के सामने ये मेरी स्पेशल वेराइटीज है। ये घारी सूरत के अंदर सब लोग, सूरत के कोई भी कोने में थे सब लोग आते हैं मेरे वहाँ से घारी खाने के लिए। आप भी एक, तो भाई सूरत में है और सूरत में अब खाने वाले हैं एक स्पेशल अंडा, एंड उस अंडे का नाम है एक घारी, जो कि आती है टू सिक्सटी रुपीज़ की। एक घारी है 260 रुपीज़ की। सो विल बी कवरिंग दी एक घारी, एंड हमारे साथ है धर्मेश भाई। धर्मेश भाई सू केम छो, मजा माँ, ओके। घारी में क्या क्या जा रहा है? ये अंडा आमलेट, पहले तो जाएगा आमलेट। घारी में जा रहा है ऑमलेट, और क्या 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 ये अभी? वही है धनिया पाउडर और गरम मसाला। गरम मसाला, नमक, ऑयल, ये जो मीठा घारी होता है वैसे ही होता है ये भी? सेम सेम मीठा घारी रहता है वैसा ही है। सबसे पहले तो हमने जैसा पहले अंडा बनाया था वैसे ही अभी बना के इसको फ्लैट किया। और ये क्या कर रहे हैं बाप? ये बॉइल्ड का अंदर का बॉइल्ड अंडा लेंगे। गाड़ी में कितने अंडे चले जाते हैं? चार अंडे। अभी हम थोड़ा कम ऑयल में बनाते हैं, सूरत के लोग अभी कम ऑयल खाना चालू करते हैं। अरे अच्छी बात ही है, वो तो परहेज करोगे तो ही फायदा है। ये क्या डाला? टमाटर प्यूरी, कांदा तेल, मसाला, मिर्ची, अदरक लहसुन, नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, पानी। और ये अब आपका ये जो एक येलो है ये लिया जा रहा है। पहले एक येलो के साथ ग्रेवी को मैश किया। हमारी ये स्पेशल है ना, आदू लहसुन की पेस्ट है हमारी, आदू लहसुन की पेस्ट स्पेशल है। हाँ स्पेशल है अदरक लहसुन का। कोरोना के टाइम पे हम है ना ये आदू लहसुन और हल्दी तीन मिला के ग्राहक को खिलाते थे। अच्छा, उससे ग्राहक का कोरोना भाग जाता था। अच्छा, ये अब आपने अंडा ले लिया जो आपने बनाया था। अच्छा, ये तो मिठाई जैसा लग रहा है, पूरा मिठाई शेप बनाने वाला। अच्छा, ये ऐसा हो गया। ये हो गया। उसमें टोटल 5 प्रोसेस होगा, ये अपना 2 प्रोसेस तो हो गया। 2 प्रोसेस हो गया। हाँ, अंदर का ग्रेवी हो गया। हाँ, और ऊपर का ही हो गया। उसमें अपने जो सूरत में जो आती है ना सूरत की मिठाई, वो ही सब से ही बनेगी। सूरत की जो मिठाई है घारी, हाँ, ऐसे ही आपने अंडा। हाँ, घारी बना। हाँ, कितना चाहिए उतना ले ले।
सूरत में अभी है ना अंडा ठंडी में ज़्यादा लोग खाते हैं ना, तो इधर पूरा 30 अंडे का ट्रे मिलता है। हाँ, वो अभी का भाव है 210 रुपये। 210 रुपये, बाकी गर्मी के मौसम में उसका भाव हो जाता है 110 रुपये। अच्छा, शेयर मार्केट की तरह उतार चढ़ाव ठंडी के हिसाब से। ठंडी ठंडी के हिसाब से। अच्छा, ये ओके ओके ओके। ये अभी अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची, नमक। अभी हम फोर्थ प्रोसेस पे आ गए। फोर्थ प्रोसेस पे आ गए, बराबर। एक जाएगा ये लहसुन जाएगा, धनिया जाएगा। धनिया काफी अच्छा है, ज्यादा और जो ये अपने निकाली थी नहीं, अभी एक और अंडा हो गया। टोटल कितने अंडे चले गए अभी तक? चार चले गए। हाँ, ये चौथा, ये चौथा। ये जो शौकीन लोग खाते होंगे घर ही? नहीं नहीं, सब लोग खाते हैं यहाँ। रात को फैमिली वाले, क्या इतनी प्रोसेस हो जाती है ना। हाँ, तो रात को फैमिली वाले घर पे तो ही फोन कर देते। हाँ, कि हम लोग आ रहे हैं। आ रहे हैं, हमारा प्रोसेस चालू कर दो। अच्छा, क्योंकि ठंडी में क्या, जब भी विचार हो गया तो लाओ फटाफट चाहिए। अच्छा, रुकने का नाम नहीं, जो भी हो, जो जिसका भी बनता होगा उसके साथ में डाल दो, चाहे कुछ भी हो, पर पहले थोड़ा खिला दो, बाद में आराम से बैठेंगे। अच्छा, ये हो गया, कीमा भी आ गया ऊपर। हाँ, मैं आपको बोला ना, इधर के लोग हैं ना ज़्यादा। अभी ये अमूल बटर चीज़, अमूल चीज़। हाँ, दो चीज़ चले जाएगा गाड़ी में, मतलब माल मटेरियल पैसे के हिसाब से बहुत अच्छा गया है। अच्छा, ये लिक्विड चीज़ मेरे को लगता है अब जाने वाला है। हाँ है ना, आपको भी तब पता चल गया। अभी लेकिन आप खाली कैमरा चला पाओगे, हाथ नहीं चला जाए। नहीं, मैं भी कुकिंग कर लेता हूँ थोड़ी बहुत, तो आइडिया आ जाता है। पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये क्या कर रहे हैं? वाह, अभी ये आपने पलट दिया। हाँ, ओ वाह। देखो आ गया, अभी आ जाएगा ये उसके ऊपर जो अपना जो। क्या बात है, क्या बात है। ये गाड़ी का जो अपने मिठाई की गाड़ी में जो ऊपर मावा आता है, वो घी आता है ना, वो हमारा ये घी है। चाशनी लग रही है। हाँ, चाशनी हो गई। हाँ, चाशनी लग गई। तो जैसे वो गाड़ी के अंदर जो अपना क्या बोलते हैं, काजू पिस्ता सब आते हैं ना। हाँ, वैसे हमारी गाड़ी पे ये हम पिस्ता, ये आपका पिस्ता हो गया, पिस्ता लहसुन, लहसुन। अरे क्या बात। और ये हो गया लाल मिर्च, लाल मिर्च मतलब थोड़ा तीखा खाने। सुपर सुपर सुपर। सूरत में घारी जो मिठाई है वो फेमस है और एग्स भी फेमस है, तो धर्मेश भाई ने एग और घारी को मिक्स करके यहाँ एग घारी बना दिया है। दिखने में इसका प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है। और चलिए अब हैप्पी बर्थडे टू मी, अंदर कैसा है? ओहो हो, अंदर तो खजाना है भाई, लुक एट दैट। तकरीबन 4 से 5 अंडों का बनाया गया इसे, अलग अलग लेयरिंग के साथ। आकर ये आ आ आ आ आ आ। चलिए मैं खा लेता हूँ। इन्होंने 4 अंडे यूज़ किए और चारों अंडों का जो फ्लेवर्स है, अलग अलग टेस्ट आ रहा है। अच्छा, सॉफ्ट भी आ रहा है, फिर चबाने को भी आ रहा है, फिर उसके अंदर देखो हाफ डन भी है। आप देख सकते हो अंदर क्या बोलू, सनी साइड अप भी आ गया।
ओवरऑल कहने की ये बात है कि बहुत बहुत बढ़िया है, अमेजिंग एक्सपीरियंस है। प्राइस 260 है, पर ये दो लोग आराम से खा लेंगे, दो लोग आराम से। और मैं बता दूं आपको, अच्छा सूरत के ये पाव जो होते हैं ना, ये भी बड़े अच्छे हैं ऐसे, ये देखिए ऐसे स्ट्रेट वाले पाव आते हैं, बट ऑनेस्टली आपको इसको पाव के साथ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत अमेजिंग है। पर सूरत में या धर्मेश भाई के पास मैं शूट कर रहा था, और यहाँ पर हमारे एक चैनल के सब्सक्राइबर मिल गए, क्या नाम है आपका? नरेश भाई। नरेश भाई, बहुत खुशी होती है जब हमारे परिवार का हिस्सा मिलता है मुझे, बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है चैनल, कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुपर, अच्छे अच्छे खाने को देखने को मिलते हैं, और जो आप दिखाते हो बनाने की भी कोशिश करते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ बनाते भी हैं। बिरयानी ट्राई किया क्या? हाँ किया, सब ट्राई किया, बना तो थोड़ा थोड़ा ट्राई किया है, पर आपका चैनल देख के थोड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, अच्छा मेरे को भी तो पता चले कि जो देखते हैं उनसे मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत खुशी हुई कि आप स्पेशली आके मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे। और अब सूरज चाहिए आप? हाँ सूरज से। ओके सुबह अच्छे खाएंगे अभी आप अंडा? अंडा खाओगे? नहीं, अच्छा खाना खा लिया, खाना हो गया आपका? चलिए मैं यहाँ पे ब्लॉग करता, थैंक यू सो मच भाई।